गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास. कल हमने रीड किया था लेसन 15, सेफ्टी रूल्स पढ़ा था हमने. सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं? सेफ्टी एट होम, घर पे सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे सेफ्टी कैसे करते हैं. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी वाइल प्लेइंग. हम खेलने के जब खेलते हैं तो सेफ्टी कैसे रखते हैं. फर्स्ट है प्ले गेम्स इन पार्क और प्ले ग्राउंड. हम गेम्स जो हैं वो पार्क और प्ले ग्राउंड में खेलनी चाहिए. Do not climb on fences, walls and windows. You may fall and get hurt. हमें कभी भी दीवारों पे नहीं चढ़ना चाहिए, विंडो पे नहीं चढ़ना चाहिए और जो स्टेयर्स की साइड पे फेंसेस बनी होती हैं उन पे नहीं चढ़ना चाहिए. You may fall, तुम गिर सकते हो and get hurt और चोट लग सकती है. Now next है do not push or fight with others. तुम्हें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. Never tease or hurt animals. कभी भी जानवरों को या किसी को टीज नहीं करना चाहिए, मतलब छेड़ना नहीं चाहिए. या फिर जैसे जानवर बैठे तो उसको ये नहीं, डोगी बैठा तो तुम उसको पत्थर मार के चले जाओ. नो, दिस इज नॉट अ सेफ्टी. नाउ नेक्स्ट है ऑलवेज फॉलो द गेम रूल. आपको अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको हमेशा उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल स्विमिंग. अब जब स्विमिंग करते हो तब कैसे सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. Do not go alone for a swim. तुम्हें कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी एल्डर के साथ, बड़े के साथ जाना चाहिए. Use a swimming tube. स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए. देखो जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो वहाँ पे एक ट्यूब होती है, उसका यूज़ करना चाहिए. इफ़ यू डोंट हाउ टू स्विम, अगर तुम स्विमिंग नहीं जानते तो, ताकि तुम उसके अंदर क्या हो जाओ, तैरना जाओ. नेक्स्ट है डो नॉट गो इन टू डीप वाटर. तुम्हें ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए. डे के बाद आफ्टर स्विमिंग के बाद तुमको नहाना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि स्विमिंग के अंदर देखो बहुत सारे टाइप के पीपल्स आते हैं. कोई मतलब आपको किसी भी टाइप की किसी की बॉडी से एलर्जी ना हो या पानी से, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको स्विमिंग के बाद नहाना भी चाहिए. नाउ नेक्स्ट सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग. जब आप ट्रैवल करते हो तो सेफ्टी कैसे जरूरी है. स्टैंड इन यू की वाइल फिटिंग फॉर अ बस. जब आपकी स्कूल बस आती है, कोई भी बस आती है, तो आपको एक लाइन में खड़े होना चाहिए अपनी बस का वेट करने के लिए. स्टैंड इन क्यू एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे आपको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. जब आपकी बस मूव कर रही है, चल रही है, तब आपको बाहर नहीं झांकना चाहिए, हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट क्लाइम अप और डाउन ऑफ अ मूविंग व्हीकल. कोई भी व्हीकल हो, अगर वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो आपको उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, ना ही उतरना चाहिए. यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. उससे क्या हो सकता है, तुम गिर भी सकते हो और चोट भी लग सकती है. डू नॉट पुट यूर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस. तुम्हें अपने हाथ और सिर जो है वो चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द रिवर और सॉरी डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. तुम्हें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जब कोई भी ड्राइव कर रहा हो तो तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन हिलती है. डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस. आपको कभी भी बस के फुटबोर्ड पे खड़ा नहीं होना चाहिए. अब ये जैसे सपोज करो, अब ये जैसे बस दे रखी है, आपके यहाँ पे फुटबोर्ड होते हैं ना चढ़ने के लिए, उनके ऊपर आपको कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए, गिरने का डर रहता है. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट मतलब पहला, एड मतलब आपको पता ही है कि चोट. अगर कोई भी चोट लगती है तो उससे पहले फर्स्ट एड क्यों करनी चाहिए. The immediate help given to an injured person is called first aid. First aid क्या होती है? जब किसी person को चोट लग जाती है और उसको सबसे पहले उसकी पट्टी या जख्म को ठीक किया जाता है, वो कौन सी होती है? First aid. When someone gets hurt, जब किसी को चोट लग जाए, report to the teacher. Teacher को बताना चाहिए, report करना चाहिए, और an adult immediately या फिर अपने से बड़े को बताना चाहिए आपके आसपास जो भी हो. Keep a first aid box at home, in car, in classroom and also carry it while traveling. आपको first aid box हमेशा घर में भी होना चाहिए, आपकी गाड़ी में भी होना चाहिए, आपके classroom में भी होना चाहिए, और जब आप कहीं भी travel करते हो तो आपके पास first aid box जरूर होना चाहिए. क्योंकि अगर भगवान ना करे किसी के साथ चोट हो जाती है, कोई घटना दुर्घटित होती है, तो उसके लिए आप क्या हो, आपके पास first aid box हो, ताकि आप उसको help कर सके. ओके, आज आपको लेसन 15 सेफ्टी रूल्स कंप्लीट रिवाइज करना है, रीड करना है. ओके.